चौहान ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की रेटिंग को लेकर मध्य प्रदेश सरकार पर भेदभाव के आरोप लगाए और कहा कि बड़वानी में स्वच्छ सर्वेक्षण टीम ने सर्वे किया ही नहीं और हो गई रेटिंग, क्या गूगल से किया गया है निरीक्षण। दरअसल नगर पालिका अध्यक्ष लक्ष्मण चौहान ने स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भेदभाव किए जाने के आरोप लगाए हैं। वहीं बताया है कि स्वच्छ सर्वेक्षण टीम ने बगैर निरीक्षण के परिणाम घोषित किए हैं। वहीं जिन नगर पालिकाओं की सेटिंग हुई उन्हें आगे लाया गया। क्या स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 सर्वेक्षण टीम द्वारा गूगल से किया गया? बड़वानी नगर पालिका द्वारा किए जा रहे कार्यों का सर्वेक्षण क्यों नहीं किया गया? यदि निष्पक्ष सर्वे किया जाता तो बड़वानी नगर पालिका रेटिंग में पिछले वर्ष की रेटिंग से ऊपर होती। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 हुआ, इसको लेकर क्या कहेंगे? 2021 का सर्वे हुआ है और मैं बार बार ये आरोप लगाते आया हूँ। पिछली बार भी मैंने ये आरोप लगाया था मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर कि भेदभाव करती है सरकार। पिछली बार जहाँ सेंधवा प्रथम नंबर पे था, आज नीचे आ गया। क्या कारण रहा? एकदम नीचे कैसे चले गया? ये भी फर्जीवाड़ा करके सेंधवा को प्रथम नंबर पिछले साल दिया था। इस बार भी वही फर्जीवाड़ा करके उन नगर पालिकाओं को प्रथम दिया जिन्होंने मैनेजमेंट किया था। मध्य प्रदेश सरकार झूठा सर्वे करवा रही है। झूठा सर्वे करवा के झूठे आंकड़े के आधार पर रेटिंग कर रही है। अगर निष्पक्ष सर्वे हो जाए तो बड़वानी नगर पालिका ऊपर ही रहेगी। जो स्थिति आज नगर पालिका बड़वानी की है, वैसी स्थिति मध्य प्रदेश में किसी भी नगर पालिका की नहीं है। और अगर हमारी नगर पालिका में सफाई या कोई काम ऐसा नहीं हुआ है तो उसका सर्वे क्यों नहीं किया गया? फिगल का हमने काम करा है, उसका सर्वे क्यों नहीं किया गया? कई चीज़ों का बड़वानी नगर पालिका का सर्वे ही नहीं हुआ है, इसलिए बड़वानी नगर पालिका के कम मार्क आए हैं। हम किस पोजीशन पे आई है? देखिए, पिछली बार नगर पालिका 5 नंबर पे थी मध्य प्रदेश में, इस बार 11 नंबर पे है। और ऑल इंडिया सर्वे में 29 नंबर पे थी, इस बार 43 नंबर पे आई है। तो मेरा ये आरोप है, मैं बार बार ये आरोप लगाते आया हूँ कि सर्वे ही गलत हो रहा है। उन चीज़ों का सर्वे कर ही नहीं रहे जिनको आगे लाना है। जिस नगर पालिका को प्रथम लाना है उसका पूरा सर्वे कर लेते हैं, हर चीज़ का सर्वे कर लेते हैं। सर्वे वाले बड़वानी में आए ही नहीं और रेटिंग कर दी। कैसे कर दी? क्या उनके पास क्या गूगल से सर्वे किया, किस चीज़ से सर्वे किया, इसकी जानकारी ओपन होना चाहिए, जनता को मालूम पड़ना चाहिए कि सर्वे कैसा होता है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बड़वानी से विजय निकुम की रिपोर्ट।